हम भी तुम्हारे भाई हैं। बताए बताए ना तुझे। समय का मकसद है, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिलमारूफ वतनहूना अनिल मुनकर वतुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं चौथे पारे की आयत है जिसमें अल्लाह ने हुक्म फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफे रसानी के लिए निकाले गए हो, अच्छाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो, एक अल्लाह वाहिद पर अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह ये इस्तमे का जो मकसद है वो ये है कि हम अल्लाह के अहकाम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाले बन जाए। असल मकसद ये है इस्तमे का, एक एक उम्मती अल्लाह के नबी का उम्मती अल्लाह के अहकाम पर आए, अब नबी की सुन्नत पर आए और सहाबा की नहज पर चलने वाला बन जाए। असल मकसद इस्तमे का ये है और अच्छाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना असल इस्तमे का मकसद ये है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस्तमे के ऊपर जो हमारे बड़े हजरात आए हुए हैं इनकी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे और अल्लाह अपने अहकाम पर और अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। मेरी तमाम मुसलमानों से यही दरख्वास्त है कि एक एक शख्स अल्लाह के नबी का एक एक उम्मती अल्लाह के अहकाम पर और अपने नबी की सुन्नत पर सहाबा की नहज पर चलने वाला बन जाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। का मकसद यही है कि अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए हमें और उलमाए दीन की अपनों की बड़ों की कदर करनी चाहिए, बड़ों की बच्चों पर मोहब्बत से रखना चाहिए और अपना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना चाहिए हमें। जो हमें क्या कहें अपना ये बता गए कि भाई किसी को सताना नहीं, किसी से बुरे बात न कहना, किसी से बुरा काम न करना किसी के साथ में, तो इसलिए हमारा जो ये इस्तमा जो हो रहा है ये इसी दिन के ऊपर हो रहा है। तो एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि लगभग कितने लोगों का इस्तमा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? इस्तमा तो ये बहुत बड़ा इस्तमा है, इसका तो कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है जी, कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता। इतना बड़ा इस्तमा है कि ऑल इंडिया में पूरा ए लेवल का इस्तमा है, इसका कोई अंदाजा नहीं लग सकता। अच्छा, जैसे ये ट्रैफिक है, जो रास्ते हैं वो बाधित हो रहा है ट्रैफिक कहीं ना कहीं, तो उसके लिए इंतजाम आपकी तरफ से भी किए गए प्रशासन के साथ साथ कुछ? हाँ जी, हमारी तरफ से सब इंतजाम है, हमारा आदमी बहुत लगा हुआ है प्रशासन के साथ साथ, हमारा आदमी ज़्यादा तादाद में प्रशासन के यहाँ बहुत कम है, हमारा आदमी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो इसमें आलिम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? जो उलमा तो इसमें बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े उलमा हमारे मौलाना साहब हैं वो हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे, उनका ज़्यादा इसमें वो है।